हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार, मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल का कैंडिडेट यानी सदस्य नहीं बने हैं, तो वो जो बगल में दिखाई दे रहा है, देख लीजिए, बगल में रेड कलर का जो दिखाई दे रहा होगा उस पर क्लिक कीजिए, और दोस्तों बगल में जो है घंटी का चिन्ह आएगा उसको भी टिप दीजिए। तो जिस प्रकार से घंटी बजाने पर भगवान प्रकट होते हैं, उसी प्रकार से घंटी बजा दीजिएगा तो मेरा वीडियो प्रकट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए फटाफट बता देता हूँ क्या लाया हूँ। तो दोस्तों, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन के बारे में आज आप लोगों को डिटेल्स बताऊंगा। तो इसके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ एक बात दोस्तों, क्या कहना चाह रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा कि ताप का ऐसा मात्रा केल्विन होता है, शरीर के सामान्य तापमान को फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, और सामान्य तापमान में हम लोग सभी चीज को मापने में जो है हम लोग डिग्री सेल्सियस का प्रयोग करते हैं। बात समझिएगा ध्यान से। तो देखिए दोस्तों, डिग्री सेल्सियस में जो है दोस्तों, इधर मैं लिख देता हूं, डिग्री सेल्सियस में जो है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से, ठीक है दोस्तों, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। बात ध्यान दीजिएगा बात पर। अब जो है मैं आप लोगों को क्या कहता है कि एक सूत्र लिख देता हूं, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो दोस्तों, यह फॉर्मूला जो है बहुत ही लाजवाब फॉर्मूला है। कैसे है सो देखिए, यदि हम लोगों को कह दिया जाए कि दोस्तों, यदि 32 फ़ारेनहाइट हो तो उसे हम डिग्री सेल्सियस में कितना कहेंगे, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर वाट डिग्री सेल्सियस कितना कहेंगे उसको डिग्री सेल्सियस में। तो ध्यान दीजिएगा, फ़ारेनहाइट का मान जो है कितना दे दिया है, तो 32 बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ध्यान दीजिएगा, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में है, बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस और इधर आ गया 0 और 0 आ गया, तो ये जो है ध्यान दीजिएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस ये भाग में है तो इधर गुना में आ जाएगा, तो 0 × 5 ये गुना में है, 9 तो बटा में आ जाएगा, बराबर डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 आ जाएगा इसका मान, यानी कि हम कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा एक और बात, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या ध्यान दीजिएगा सो ध्यान दीजिए कि अगर आप लोगों को कह दिया जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस को बराबर वाट डिग्री फ़ारेनहाइट, यदि आप लोगों को 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया जाए और बोला जाए कि उसको फ़ारेनहाइट में कितना लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए यही फॉर्मूला है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 × कितना दे दिया है डिग्री सेल्सियस का मान, 100, तो 100 + 32, तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर, इससे इसको काट दिए 20 बार में, 9 × 18 = 180 डिग्री + 32। तो ध्यान दीजिए, 2 × 3 = 11, 1 + 1 = 2, यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो कितना हो गया, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात समझ रहे हैं? अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट फॉर्मूला पर, क्या है फॉर्मूला सो देखिए। अब आप लोगों को दे दिया जाए कि केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, तो यह भी एक फॉर्मूला है कि केल्विन का मान दे दिया जाए या डिग्री सेल्सियस का मान दे दिया जाए, तो इसमें से एक का मान दिए हुए दे देगा और दूसरा का मान पूछ देगा। तो दोस्तों, अगर जो हम लोगों को कह दिया जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर वाट केल्विन, केल्विन में जो दोस्तों डिग्री का उपयोग नहीं किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा के बराबर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, के बराबर डिग्री सेल्सियस का मान 100 + 273.15, तो के बराबर 273 और 100 373.15 क्या चीज में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। बात आप लोग एकदम समझ रहे होंगे, यह मुझे विश्वास है। अब अगला देखिए पॉइंट, यदि आप लोगों को कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए ध्यान दीजिए,
यदि आप लोगों को कह दिया जाए कि 273.15 केल्विन बराबर वाट डिग्री सेल्सियस, बात समझ रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा केल्विन का मान जो है कितना दे दिया है हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा 273.15 बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो 273.15 माइनस 273.15 बराबर डिग्री सेल्सियस, तो ये घट करके आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। आप लोग बात समझ रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस आ गया, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 273.15 केल्विन का मान जो है 0 डिग्री सेल्सियस के क्या है दोस्तों, बराबर होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन। और इसका जो है हम लोग एक और प्रमाण निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं सो आप लोग देखिए। और दोस्तों आप लोग यदि अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जरूर आप लोग ऊपर वाला औंठा में टिपे और लाइक करें। चलिए देखिए क्या है सो देखिए, ध्यान से देखिएगा कि यदि 0 डिग्री सेल्सियस दे दिया जाए आप कह दिया जाए वाट केल्विन तो कितना होगा सो हम लोगों को पता करना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या ध्यान दीजिएगा सो देखिए कि के का मान निकालने को कह रहा है, कह रहा है ना, और डिग्री सेल्सियस का मान 0 दे दिया है प्लस 273.15, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं दोस्तों कि यदि 0 डिग्री सेल्सियस मान दिया रहे, 0 सेल्सियस का मान यदि 0 दिया रहे तो केल्विन का मान 273.15 हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह जो है वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करें कि हाँ मुझे बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा, वेरी गुड लगा, क्या लगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो वह भी कमेंट करें कि मुझे इस पॉइंट पर, इस लॉजिक पर मुझे समझ में नहीं आया है, अवश्य कमेंट करें दोस्तों, तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि आप लोग क्या समझ रहे हैं और नहीं समझ रहे हैं। यदि समझ रहे होंगे तो आप लोग अवश्य कमेंट कीजिए, आप नहीं भी समझ रहे होंगे अवश्य लिखिए कहां पर आपको समझ में नहीं आया है। तो दोस्तों आज जो है मैं इतना ही आप लोगों को बता सकता हूं, चलिए इतना ही, ठीक है दोस्तों। आप लोग अपना परिवार को, स्टडी सिलेबस को बहुत से बहुत अधिक बढ़ाइए और सब्सक्राइबर जितना जल्द हो सके 1000 पुराइए दोस्तों, आप लोगों के ही योगदान से जो है अभी 1000 पुरने वाली है, बात समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों इतना करने के लिए आप लोगों को धन्यवाद, इतना ही पर जय हिंद जय भारत।